जब आप यमुना स्नान करवे जाओ हो और हमारी मैया यमुना स्नान करके आमे हैं तो आपको और हमारी मैया को बीच मार्ग में मिलन हुए है। हाँ, मैं जब यमुना स्नान करवे जाऊं तब तुम्हारी मैया को और मेरा मिलन हुए है। हाँ मैया। बेटी तुम कहो रसिक भान की तो नहीं हो? ना मैया। तो ललित भान की तो नहीं हो? ना मैया। तो तुंग भान की तो नहीं हो? ओ मैया, तुंग भान के तो लाला ही लाला है, लाली तो है ही ना। कोई मोटे ज्यादा बताओ है, है? अरे तो बेटी तुम कहो ब्रष्ट भान की तो नहीं हो? हाँ मैया। अरे यू नहीं की होता? हाँ। अरे जानी री जानी, खूब जानी खूब जानी खूब जानू 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 बड़ी चिनारी मेरे बड़े जंगल सोने की हंसी करतारी। अरे बेटी मैं तुम्हारी मैया हुए जानू और तुम्हारे बाबा हुए जानू। तुम्हारी मैया कैसी है? अष्ट सखीन के बीच में चलेंगी तो घूंघट उभार के चलेंगी, ऐसी चवर चवर बात नहीं करती, वही चलेंगी गली में। निकु संकोच ना करेंगे, यहाँ हमारे जेठ बैठे हैं, हमारे ससुर बैठे हैं, उनके समक्ष बिना घूंघट के नहीं जाना चाहिए। ऐसी तुम्हारी मैया है। और तुम्हारे बाबा कैसे हैं? वृद्ध है गए हैं परंतु अब वो घूंघट घूम तक काजर लगा में तुम्हारे बाबा और बड़ा सा लठले हाथ में बड़ी सी पगड़ी वाले ऐसे जाए मुस्कुराते हुए गली में है के और ठट्टा करते हुए जाए। निकु संकोच ना करें कि यहाँ मार्ग में हमारी बहु बेटी आ रही है जा रही है कहाँ कहूंगी ऐसे तुम्हारे बाबा। अरे मैया हमारे बाबा ने आपसों कचू डुटाई करी होगी। अरे बेटी तुम्हारे बाबा ऐसे सामर्थवान कहाँ हैं जो मेरे एक संग कछु ढिटाई करेंगे। मैं एक धक्का मारूंगी तो छह ठौर गिरेंगे तुम्हारे बाबा। अरे मैया जैसे गुण आप मैया और बाबा में बता रही हो ना ऐसे गुण तो आप में और आपके अकार से कनुआ में। हाँ ले ओ री ले ओ कैसे बतुआ से मुख में ती टका सो जवाब दियो है। और कन्हैया तारी के तू अपने घर के मार्ग में भूल जाए। मैया मैं तो भोरो मैं तू नहीं कहूँ भोरो ना है। देख यदि गाँव के घर जाओ तो बात सुनाए के आनी चाहिए, एक बात सुन के नहीं आनी चाहिए और बाकी घर चोरी करनी चाहिए। चोरी को ना मतले नहीं तेरो ब्याह ना होगा। हाँ बेटी राधा। हाँ मैया। मैं तुम्हारा श्रृंगार करूंगी, मैं तुम्हारी गोदी भरूंगी। नहीं मैया घर पे मेरी मैया मुसूल लड़ेंगी।
तुम्हारी मैया कछु नहीं कहेंगी, और यदि कछु कहे तो मेरो नाम ले दियो। अरे ब्रज गोपिया, अरे सब श्रृंगार की वस्तु लेके आओ, देखो मेरे आंगन में कितनी सुंदर जोड़ी विराज रही है। मैंने कहो मोरे जिंदा
ही कहूँगा। हे महीदेव, हे आप बनके पशु पक्षी, हे सूर्य नारायण भगवान, हे गिरिराज महाराज, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, आप मेरी विनती को सहज कान देख के सुनो। एहो गिरिराज, मेरो कुंवर कान दूल्हा बने, जोरी सजाए नित चढ़ाओ, दूध रोरी में आनंद मनाओ, नोत विप्रनु जिमाओ, गोरस मणि मुक्ता बरसाओ, चहो ओरी में कोट तेतीस मिलो, देवता आशीष देओ, नील गौर कमल दऊ, आपकी अनझोरी में एहो विधिना, तुपे अचुरा पसारी मांगो, ये श्याम प्रिया जोड़ी देऊ, मो गरीब नीकी झोरी में। अजी, यह आपकी मैया कहा कर रही हैं? देखो जी, चिंता की कोई बात नहीं है, हमारी मैया नित व्रत ही यमुना स्तोत्र को पाठ करे हैं। अजी, यह आज ही कर रही हैं या यह नित्य ही करें? वैसे तो नित्य ही करें, पर आज कुछ ज्यादा ही कर रही हैं। मैया, मैं जा रही हूँ। जा रही हो बेटी? या घर राधा आवत रहियो, महरी हमारी बात चलावे, मेरो मिलवो कहियो। बेटी राधा, ये घर तुम्हारो ही है, दिन पीछे या चार दिन पीछे ये घर तुमको ही संभालना है। जासू या घर को भूल मत जइयो, आमती रही हूं, जब तुम्हारो मन होई करे तो यहाँ आ जायो करी। ठीक है बेटी, और अपनी मैया से मेरा मिलवो कह दियो, पामन लगवो कह दियो। अरे कन्हैया। हाँ मैया। देख बेटी राधा अपने गांव की जा रही है। अच्छा मैया, तू इनको थोड़ी सी दूर तक पहुंचाया? मैया थोड़ी सी दूर तक, बरसाने तक छोड़े हूँ। अरे तारीख है, बड़ी जल्दी बच रही, बरसाने जाएगी। क्यों मैया? ब्याह ते पहले ससुराल में नहीं जायो करे, थोड़ी सी दूर तक पहुंचाया। अच्छा, थोड़ी सी दूर तक? हाँ, अथाई तक छोड़ के आऊँ मैया। है मत जाइए, ठीक है, आ जाइए। अरे कन्हैया, थोड़ी सी दूर तक पहुंचा के आ जाइयो। और देख, तू बड़ा चोर है, इनकी काउ वस्तु है, मत चुरा ले, नहीं तो तेरा ब्याह ना होगा फिर। भैया इनके आगे क्यों कह रही है तू बड़ा चोर? अरे ये ना सुन मैं। कहा जी आप जा रही हो? हाँ जी, अब मैं जा रही हूँ। तो आप एक बार और खेलवे के ताई हमारे यहाँ पधारियो। अजी, अब तो खेलवे आप ही पधारियो। अच्छा, हाँ हम पधारे। बरसानो है मेरो गाँव कन्हैया, आ जाइयो। बरसानो है मेरो गाँव कन्हैया, आ जाइयो। परेशानी में मेरी
आप आ जी। देखो जी हम तो इकट्ठी बराते ही लेके आएंगे जी। ठीक है जी, हम नहीं जाए, आप खेलिए पधारिए। नंद राय के घर में आवत कान दरस की लाल सावत, काऊ बिजिसों बात बनावे, कान्हा को दर्शन हम पावे। ठीक है, कोई न कोई बात बनाए कि गोपी नंदालय में आती कन्हैया के दर्शन करवे के लिए। नंद भवन एक गोपी आई, मात यशोदा सो कही विनवत, गोमय हित में सास उठाई। मैया मैं आपके पामन लगूं? तेरो खसम बाबा जी है जाए। कहा बात है मैया, हमारे यहाँ मेहमान आएंगे सभी रहे। अच्छा। हाँ, तो आप हमें गोबर बता दो, गोबर हमें गैया को गोबर चाहिए, चौका लगाना है हमें घर में। हाँ, ये कह रही है कि हमारे घर कछु कल मेहमान आएंगे सवेरे, तो मोको उनको खीर बनावे के ताई गोबर दे दो। गोबर की खीर बनाएगी कोई? जी जी, श्याम सुंदर है ना, और ये तो बड़े ही नटखट हैं। मैया अरे देखो, मो गोबर आप दे दो, मो चौका लगाना है। चौका लगाना है? हाँ। अरे सखी, तो गोबर की कहा पूछवे की बात है, खिरक में चली जा और वहाँ से जितना गोबर चाहिए उतना ले जा। हाँ मैया, ठीक है मैया। मैया मैं खिरक में जाऊँ वहाँ से गोबर। तेने यहाँ से कहते कि पूछवे की कहा बात है, खिरक में जा चली जा और गोबर लिया है। आप सखी को नहीं जाने है, ये बहुत बड़ी चुट्टनिया है मैया, चोरी कर रही है। और देख गैया के रस्सी जेबरा, और देख लोमना हो ना गैया को, उन सब ने चुरा ले जाएगी। यानी कि बछराने के गंडा बनाए, और गंडा बनाए मैया मैंने बड़े सुंदर सुंदर, कौ उनको खोल ले गई ना तो मेरी गैया को मैया नजर लग जाएगी। या सो तू कहे तो मैया मैं जाऊँ खिरगन में जाके देखूँ कौ ये चोरी तो नहीं करेगी। बड़ी चिंता है तू है, बहुत समझदार है गयो। हाँ मैया, तू आज मालूम पड़ी है, जा तो जा, तू चले जा, पर देख दूर ते ही देखी हो। हाँ मैया दूर ते ही देखूं दूर। हाँ ठीक, जा मैया दूर ते देखी हो। आई है गोभी भरी तो ही गोबर की डेरी, या देव छो न जाए या ही मिस दे कान आए मेरे, सिर पर डलिया धर हाथ थे। मुँह पे तो ये हेलो चीनी नहीं है, अब मैं कोने बुलाऊं मुँह को कोई नहीं दिख रहे हो, मैं कौन सो कहूँ जो मेरी या गोबर की हेल को उचवा दे। अरे हाँ, काऊ की आवश्यकता ही नहीं है। अरे जब वो मिल गए श्याम सुंदर खड़े हैं, और जब श्याम सुंदर है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, अब मैं नहीं ये बुला लूंगी, यही मेरी हेल को चबा देंगे। प्यारे श्याम सुंदर, अरे देख आयो रे गिरिधारी, लला मेरी दी जो हेल उठा, अरे देख आयो रे गिरिधारी, लाल मेरी ऊंचाई, लाल मेरी दीजो हेल ऊंचा, अरे
बड़ी भारी है गई है। मैं तेरी या हिलकू उछवा दूं? हाँ भारी है गई है, उछ नहीं रही है। मैं तेरे बाबा को नो करूं जो मैं तेरी हिलकू उछवाऊं? है कैसी बात करे तू? देखो मैया ने गो वर दिया तो गोबर दियो और बाहू पे तुम मुझे चाकर बना रही है अपनो है? कैसी बात करे? देख मैं छोटा सा, छोटे छोटे मेरे हाथ और तेरी ये विशाल गोबर की हेल या को मैं उचाऊंगू को मेरे हाथ में लग गई पर मैया मुझे मारेगी, मैं नहीं उचाऊंगू। अरे ये तो मैं जानू हूँ कि आपकी बड़ी कोमल हाथ है, परंतु मैं तो आपसे ये कह रही हूँ ना, आप कमलन की लहू में बनैया लागे ऐसे ही हिल नहीं उचवा रही हूँ, मैं आपको लोना दूंगी, माखन को लोना। माखन को लोना? हाँ। अच्छा कैसे देगी माखन को लोना? हिल हिल प्रति लोना दे इनकी गिनती कैसे करे हो चाहोगे तो मैं तुमको एक माखन की लोनी दूंगी। तो सखी मैं तो पढ़ो लिखो नहीं हूँ, मैं कैसे आके गिनती करूंगा कि तू कितनी हिल लेके गई है और कितनी माखन की लोनी मुझको देगी, कैसे गिनती कर पाऊंगा? गैयान की तो गिनती आप कर लियो बड़ी जल्दी। अच्छा। अरे मैं उपाय बताऊंगी ना आपको। हाँ, हाँ, उपाय बता। जितनी बार आप मुझको हिल उचवाओगे ना, हाँ, उतनी हाँ। मैं गोबर की टीप आपके गालन पे लगाऊंगी। अच्छा। और हिल उचवाओगे तो माथे पे लगाऊंगी। अच्छा। हाँ, और हिल उचवाओगे तो ठोड़ी पे लगाऊंगी। तो सखी जितनी गोबर की टीप होंगी उतनी माखन की लोना, उतनी माखन की लोना दूंगी मैं आपको। तो ये बात है तो चल सखी मैं तो कुछ आ जाओ। ये गोबर की हेल उचावे लगावे
शंकर जी, पिताजी देवराज इंद्र जी देख रहे हो आज कैसो आनंद आ रहे हो है। अद्भुत झांकी को दर्शन हम देव मंडली यहाँ आकाश मंडल में ठाड़े है के कर रहे हैं, परंतु अब सो पहले हमने भगवान को श्रृंगार देखो, कच्छ अवतार लियो वह श्रृंगार देखो, नरसिंह अवतार लियो वह श्रृंगार देखो, मत्स्य अवतार लियो वह इनको श्रृंगार देखो, परंतु अद्भुत श्रृंगार तो आज ये ब्रज की गोपी कन्हैया को कर रही है। और वह मंडित इनको जो रूप हो बारहा को देखियो, देखियो रूप बारहा को, श्रृंगार नरसिंह हु को बिहार कच्छ मच्छ हु के नीके लख पाए हैं, देखियो बपु बामन को मुनि वेश राम हु को बलकल के जटाचीर जातना भुलाए हैं, वैकुंठ सो राज देखियो और त्रिलोकी साम्राज्य देखियो, द्वारका सो राज सब ही देख आए हैं, ठाट वाट राजपाट बहुत ही निहारे नाथ, पर गोवर को ठाट आज प्रेम लख पाए हैं। सत्य कह रहे हो देव ऋषि, हम जो प्रभु के मुख मंडल पे आज जो श्रृंगार देख रहे हैं, बड़ो ही अद्भुत और विलक्षण श्रृंगार इनके मुख मंडल पे हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसा श्रृंगार हमने काहू अवतार में काहू रूप में इनको नहीं देखो। जब हमारे प्रभु त्रेता में अवतार लेके आए और महाराजा चक्रवर्ती दशरथ के यहां इनने अपनी बाल लीला करी ही, मां कौशल्या ने इनको श्रृंगार कियो, पर वाहु समय यह श्रृंगार हमको दृष्टि गोचर नहीं भयो। योग विलोलित भालम नौमी सदा ब्रज भूषण पालम, में भगवान ने जब राम रूप धारण कियो हो वास्तव में मैया कौशल्या ने इनको कितना सुंदर सुंदर श्रृंगार राम रूप अवध में धर्यो हो त्रिलोकी नाथ, कौशल्या मोद सो श्रृंगार कर पठायो हो, मिथिलापत रानी शिहानी मुखमंडल पे कुमकुम केसर चंदन सुहायो हो, अरे या ब्रज की जो नंद भावा को घर है, नंद घर नीको, यह नंद घर नीको भाग्य विधुना बरन सके, नित नव श्रृंगार जिन लाल कर पठायो हो, धन्य ब्रज गोपी, इन ब्रज गोपिन को हम बार बार प्रणाम करे है, धन्य ब्रज गोपी जिन लाल को श्रृंगार कियो, अरे लालन के गालन पे गोबर लगायो है। आज भगवान के मुख मंडल पे ब्रज गोपी ने गोबर को श्रृंगार किया और आज लखो गली गोकुल में, आज लखो गली गोकुल में ब्रज बाल श्रृंगारत गाल कन्हाई, कुमकुम चंदन केसर ब्रज गोमे की कीच मचाई, खौर नहीं कछु तिलक नहीं मकरी बेल लता लहराई, गंडन पे गोमे मंडन प्रेम लला छव आज ही पाई।
आज ही यह श्रृंगार हम देवतान को देखने को मिल रहे है। कितनो अद्भुत श्रृंगार, ब्रज गोपिन को बार बार धन्य है, ब्रजवासिन को बार बार धन्य है, जो कि स्वयं ब्रह्म साक्षात जो ब्रह्म है, जिनके ध्यान बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हम स्वयं धरे हैं, पर कहूं को हमारे ध्यान में वो नहीं आमे हैं। आज वही प्रभु इन ब्रज गोपिन सो कैसो गोबर को श्रृंगार करा रहे हैं, परंतु इनके दर्शन हमें यहाँ सो ना रहे बढ़िया तरह सो समीप में चले वहीं जाके दर्शन करें तो ठीक रहे। तो फिर चलो ना, चलो हाँ, क्योंकि हम वंचित रह रहे हैं अभी। मणि मणि चरित गोकुल लीला पर बार बार बलिहारी जाती, क्योंकि आप ब्रज में इतनी सुंदर लीला कर रहे हैं, ब्रजवासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। हम दूर से आपके दर्शन कर रहे तो हम पे रहो नहीं गयो, हम सब देवता अब तक तो आपके गोबर के श्रृंगार को वर्णन ही करते रहे। नारद जी ने बहुत सुंदर वर्णन कियो, भगवान शंकर ने भी बहुत सुंदर वर्णन कियो, किंतु यह श्रृंगार को दर्शन हमें दूर से अच्छी तरह से नहीं भयो, तो हम आपके समीप दर्शन करने के लिए और आपके समीप प्रणाम करने के लिए चले आए। देव बिना दीपक सदन में हरि नेक धरत न पाए, अघा सुरूप पेट निकले बाल बच्च जिवाए बले। धन्य है प्रभु आपकी लीला आप ही जानो, दावा नल को पान कर गए हैं, परंतु जब माँ यशोदा दूध आपको पिवायो करे ही तो वह सीरो दूध करके ही आपको पिवावे ही, वह तातो दूध आप सो नहीं पियो जाओ हो, और कहा दावा नल अग्नि को आपने स्वयं पान कियो, पूतना आपको मारवे के लिए ब्रज में आई, परंतु वह पूतना के प्राणन को हूँ आपने निकास दियो, अघासुर जैसो राक्षस आपको मारवे को आयो हो, कहा तो आप पे नंद भवन की चौखट हूँ नहीं लांघी जा रही है, और कहा आपने इतने विशाल देहधारी वह राक्षस को समाप्त कर दियो। हे प्रभु आपकी लीला आप ही जानो, गिरिराज पर्वत सात कोस को और आप बाल स्वरूप आपने कनिष्ठ की उंगली पे वह गिरिराज पर्वत को उठाए के राख्यो, समस्त ग्वाल वालन के संग में आप हे त्रिभुवन पति हे नारायण आपने दैत के समस्त ग्वाल मंडली में छाक खाई, ग्वालन की झूठन खाई, गोपी के घर में चोरी करी, और एक चुरुआ भर छाछ पे जैसे गोपी आपको नाच नचानो चाहवे ही वैसे ही आपने नाच नाचो, वही स्वांग आपने करो, आपकी लीला आप जाने प्रभु। भोलेनाथ, पिता में देव ऋषि नारद, देव राजेंद्र, आप समस्त देवता मेरे लीला को दर्शन करवे के ताई यहाँ ब्रज में पधारे हो, आपको स्वागत है, किंतु आप सो बार बार निवेदन
कि आप मेरे इन ब्रज की लीलान को आनंद अपने अपने लोकन से ही लियो करो। यहाँ आए के जब तुम आओ हो तो मेरी लीलान में व्यवधान हुए है, या सो तुम अपने अपने लोकन से मेरी लीलान को दर्शन क्यों करो, ठीक है? अब तुम ब्रज की दंडोती परिक्रमा करके अपने अपने लोकन को जाओ, ठीक है? हमें आवास नहीं मिलेगा, भाग में ना है। अभी तुम्हारी इतनी तपस्या नहीं जो कि मैं तुमको या ब्रज को निवास दूं, या सो तुम जाओ अपने अपने लोकन को जाओ। प्रणाम जय जय। ब्रज को वास मिले वाही फूल गिरो जाके भाग में, ब्रज को वास नहीं है पिता में, आपने व्यर्थ में ही 60,000 वर्ष पुष्कर में जाके तपस्या करी, अभी 60,000 वर्ष और करो, फिर सोचियो कि ब्रज को वास मिलेगो कि ना मिलेगो। धन्य मई गोपी जाने अद्भुत श्रृंगार कियो, लालन की गालन पे गोबर सजायो, देख सकी गोबर है गयो ले गई अभी तो और ले जाऊं और ले जाएगी तो आ जा। एक एक करके गिनती की नहीं कान हूँ आप टीप धरनी नहीं, लाला पर रूमट कर बहुत आप होता नौरक धैन नंद बाबा अगर नित्रे माँ देख सकी। अब तू इन गोबर की टीपन को गिनिए कितनी है गई, और जितनी ये है गई है ना उतनी ही अम्मू को माखन क्यों लोनी चाहिए, लाते इतनी है गिन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात और एक ही 8 और एक ही 9 पर श्याम सुंदर मैं तो पांचवी बार ले गई हूँ गोबर, पांच बार ले गई है ये 3-4 कैसे देख सकी। देख मैंने अपने आप तो लगाई नहीं है, और देख जितनी तू हिल लेके गई है उतनी बार तू लगा के गई है, अब जितनी ये है उतनी मुकु माखन की लोनी चाहिए ना है। ना मुकु इतनी चाहिए, देखो श्याम सुंदर मैया आती कह दूंगा मैं जाके, गोबर तो यहाँ बहुत है, अब चाहे कितनी भी लगा लो आप, पर मैं 5 लोनी दूंगी आपको। ना 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 मैं मैया के पास चल रहा हूँ, तू लेके चल मैया पे ही न्याय करोनी दे। है कि नहीं यहाँ मैया देखियो, अरे ये कहा मैंने कितना सुंदर श्रृंगार करो तेरो, और ये मुख पे गोबर कौन लगा दिया है? अरे गोबर ना है मैया, तू बड़ी प्रसन्न है, कैसा मुंह बिगाड़ लियो है? गोबर ना है मैया, तू बड़ी प्रसन्न है जाएगी अब आपको सुन के, आज मैं तेरे ताई कमाई करके लेके आया, कमाई करके लाया हो कछु, कहा लाया है देख। अब तू पहले इन्हें गिन, ये कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी है? 10 दिख रही है मुझे, ले मुंह पे तो 2 कम है रही, मैया ने बढ़ा दी, अब तुम मुझे 10 दे, 10 दे, तने कही ना हिल हिल मैया, मैया देख सुन लोनी तो मैं दूं ऊपर है मैया, ये बताओ आपने कैसे गिनी है ये? मैया आपको इनको माखन की लोनी देनी है। अच्छा हाँ, और आप ठीक ढंग से गिनो तो तेने लगा।
लगाई है? मैंने कहा लगाई, इनने लगवाई। अरे तो तुम मेरे कन्हैया का मुख ही मिलो बिगाड़वे काजे, कब भीत कोरे पे लगाए देती, कैसा बिगाड़ दिया मेरे कन्हैया का। अब है कितनी चाहिए? 10 चाहिए, 10 मैया बताइए ना, 10। अच्छा मैया और बेटा दोनों ही मिले हुए हैं। देख 10 मैया ने 10 गिन नहीं, मैंने 7 गिनी। और नहीं तो बाबा है बुलाऊ, बाबा श्याम सुंदर। हाँ आपको ये सिंगार बड़ा ही सुंदर लग रहा है और रोज करवा ले। अच्छा सुंदर ना लग रहा है, अपने खसम के मोह बिगाड़ियो जाए कि नहीं है, बिगाड़ दियो मेरे लाला का मोह, कैसा बिगाड़ दिया। ठीक है मैया मैं लोनी 10। हाँ 10 से ब्रज की नीला बिगाड़वा लियो है।